वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। अगर आप इस तरह के वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जो है काइन मास्टर। तो चलिए दोस्तों, अपना काइन मास्टर ओपन कीजिए, वहाँ पर चल के आगे का प्रोसेस जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा काइन मास्टर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन, इस पर क्लिक कीजिए। 16:9 का दोस्तों फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, मीडिया में जाके एक बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों, जो भी मैं यहाँ मटेरियल यूज करूँगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बैकग्राउंड वीडियो को ऐड कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आप लोग की खुद की ग्रीन स्क्रीन वीडियो। दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो भी कलर आप बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं कर लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कलर बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं ना, उस कलर का कपड़ा नहीं पहनना है। तो चलिए दोस्तों, अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेते हैं। लेयर पे क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, हमारा ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड हो चुका है। क्रोमा की के नीचे देखिए क्रॉप का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी अपने बैकग्राउंड मतलब कपड़े से जो बाहर का पार्ट है ना, उसको क्रॉप कर दीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों, क्रोमा की पे क्लिक कीजिए और इसको एनेबल कर दीजिए। दोस्तों, ये दोनों पॉइंट को कुछ तरह से आगे पीछे करके अच्छे से मैच कर लीजिए, ताकि अपना ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिए, अपना ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव हो चुका है। अगेन दोस्तों, एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो की जरूरत पड़ेगी, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लेते हैं। लेयर पर क्लिक कीजिए, मीडिया में जाके दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो को ऐड कर लीजिए। अगेन दोस्तों, क्रोमा की पे क्लिक कीजिए, दोस्तों यहाँ से अनेबल कर दीजिए। दोस्तों, कुछ इस तरह से दोनों पॉइंट को आगे पीछे करके मैच कर लीजिए, ताकि अपना अच्छे से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाए। अगेन दोस्तों, ग्रीन स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सेट कर दीजिए। दोस्तों, डिलीट के नीचे देखिए थ्री डॉट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिए और सेंड टू बैक कर दीजिए। अगेन दोस्तों, डिलीट के ऊपर देखिए की का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। अगेन दोस्तों, थोड़ा सा आगे स्लाइड कीजिए और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। दोस्तों, वीडियो के फर्स्ट पोजीशन पे आ जाइए और चटाई को थोड़ा सा जूम करके दोस्तों यहाँ पे छुपा दीजिए कुछ इस तरह से। अगेन दोस्तों, लास्ट पोजीशन पे जाइए और यहाँ पे एक डॉट दीजिए और चटाई को ले जाकर दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे छोटा कर दीजिए। अगेन दोस्तों, अपने खुद के ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे क्लिक कीजिए और डिलीट के ऊपर देखिए की का ऑप्शन, इस पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए। अगेन दोस्तों, जो अपनी खुद की ग्रीन स्क्रीन वीडियो है ना, कुछ इस तरह से छोटा करके यहाँ पे चटाई के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि हम चटाई के ऊपर खड़े हैं। अगेन दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए। दोस्तों, जो अपनी ग्रीन स्क्रीन वीडियो है ना चटाई वाली, जहाँ पर हमने एक डॉट दिया था ना, उसके सेंटर में दोस्तों अपनी खुद के ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डॉट देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए की का ऑप्शन है, इस पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे दोस्तों एक डॉट दे दीजिए। दोस्तों, जो अपनी खुद की ग्रीन स्क्रीन वीडियो है ना, चटाई के ऊपर कुछ इस तरह से अच्छे से मैच कर दीजिए। ऐसा लगना चाहिए दोस्तों कि रियल में हम चटाई के ऊपर खड़े हैं। देख लीजिए, कुछ इस तरह से अच्छे से मैच कर दीजिए। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छे से मैच हो चुका है। वीडियो के स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाइए और अपनी खुद की ग्रीन स्क्रीन वीडियो को दोस्तों यहाँ पे जूम करके यहाँ पे छुपा दीजिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, अपनी वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप लोग को वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से अपनी वीडियो में इफ़ेक्ट आया है, देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आप क्वालिटी में चाहते हैं सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट कर दीजिए।